विदिशा जिले के ग्राम मुरुदा में हुआ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षकों ने फहरा दिया उल्टा तिरंगा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा जो शिक्षक दोषी होंगे सभी पर कार्रवाई की जाएगी। जी हां, देश के अंदर 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इस देश के राष्ट्रीय पर्व पर एक ऐसी तस्वीर हमें देखकर गया जिससे देश के नागरिकों को शर्मसार होना पड़ेगा। मामला है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम मुरुदा का। जी हां, गंज वसोदा विकास खंड क्षेत्र के ग्राम मुरुदा में प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला के संयुक्त तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुए ध्वजारोहण में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। स्कूल के टीचर द्वारा किए गए झंडा वंदन में राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया गया। झंडा वंदन के उपरांत देखा गया कि केसरिया रंग ऊपर की जगह नीचे था। जब जिम्मेदार अध्यापक से पूछा गया कि झंडा उल्टा है, तब अध्यापक ने उल्टे तिरंगे को ही सीधा बताया। अध्यापक को यह भी जानकारी नहीं थी कि झंडे में कौन सा रंग ऊपर होता है। और बाद में पास में खड़ी एक शिक्षिका ने अध्यापक को बताया कि सर झंडा उल्टा है। फिर तब कहीं जाकर शिक्षक ने तिरंगे को ठीक कराया। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मानवी विदुआ ने बताया कि यह बहुत बड़ा मामला है, इसमें शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिला में भी इस मामले की जानकारी लिख कर दूंगी। साथ ही साथ जिन स्कूल में ध्वजारोहण नहीं हुआ है, अपना कार्य कर्तव्य निष्ठा से ही किया गया है, उन शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी उनको नोटिस देने की प्रक्रिया चल रही है। जो शिक्षक दोषी होंगे सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया खबर लाइव के लिए मध्य प्रदेश विदिशा जिले से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। शिक्षक को लगता है इस बात का ज्ञान ही नहीं है अभी तक के कि झंडा उल्टा और सीधा कैसा होता है। और यदि आपके द्वारा बताया गया था और एक शिक्षिका के द्वारा भी कहा गया था तो उनको उसी समय सीधा फहराना चाहिए था, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया, और इसके लिए उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय को मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। जो भी उचित कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी समझेंगे वो करेंगे।